असलकम जी स्पोर्ट साइकोलॉजी एंड इन इनटू ए डीप डिस्कशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पर्सनालिटी विद स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हमने आपको बताया था कि पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही अहम और गहरा मौजू है माहरीन नफसियात के लिए इसलिए हम इसको बहुत डेप्थ से पढ़ते हैं नफ्सियात में और इसीलिए हम इसको देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का शख्सियत के साथ क्या ताल्लुक़ है इसको हम बहुत डेप्थ और डिटेल में देखेंगे पिछली दफ़े हमने आपसे जिक्र किया था कुछ पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज़ का कुछ आज टेस्ट्स का जिक्र करेंगे कुछ पर्सनलिटी ट्रेड्स का कुछ न्यूरोटिसिज्म का कुछ ऐसे टेस्ट्स का जिनके जरिए से हम शख्सियत के बारे में जान के उस शख्सियत का शख्सियत की खसूसियात का ताल्लुक बना सकते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ ये आज देखेंगे इससे पहले कि आज का लेक्चर देखें पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था आप भी जरा अपने जहन में लाइए कि आप पिछली दफे क्या जान सके थे स्पोर्ट साइकोलॉजी और पर्सनालिटी से मतलब वी हैड टॉक्ट अबाउट पर्सनालिटी, वी हैड बीन टाकिंग अबाउट सम मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी। के वो कौन सी मेजर्स हैं वो कौन सी पैमाइशें हैं जिनके ज़रिए से हम शख्सियत का एक जायज़ा ले सकते हैं इस जिमन में हमने दो तीन चीज़ों का जिक्र किया था आपसे पहली बात हमने आपसे गुजारिश की थी पर्सनैलिटी मेजर्स के सिलसिले में रेटिंग स्केल्स की और हमने आपको बताया था कि रेटिंग स्केल जो हैं उनसे ऑब्जर्वर्स जो हैं जजेस जो हैं वो पर्सनैलिटी की मेजरमेंट करते हैं इस जीवन में हमने रेफ़रेंस दिया था आपको कि आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड है एकेडमिक्स में is student evaluation bhi of teachers is taking place and that is a measure a kind of a measure of personality of the teacher how he delivers, how he is sympathetic, attentive to the students Ye measure. Jo hai इट इज ए मेजर ऑफ रेटिंग स्केल मैंने आपको इसलिए इसका रेफरेंस दिया कि मुमकिन है आपको भी इस तजर्बे से गुजरने का कोई वाक्य पेशा हो इसलिए आप जानते होंगे कि रेटिंग स्केल क्या चीज है इसके बाद हमने इस चीज का जायजा लिया था कि साइकोलोजी में जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं उनको पर्सनलिटी मेजर करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि माहरीन नफसियात उनके जरिए से एक शख्सियत का जायजा लेने के बाद उस शख्सियत का ताल्लुक उसकी एक शख्स की स्पोर्ट्स परफार्मेंस से भी मुनसलिक कर सकते हैं वी टू के लुक एट टू इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट आई शोड प्रोजेक्टिव टेस्ट विच वर नॉट द सेम डेट आर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस But which were very similar to the ones used in clinical practice or in measurement of personality. Those two tests that I showed you, and the third test that I described for you, one was the Roschach test, developed as you remember by Frederick Roschach, and the other was the TAT by Henry Murray. That is the Thematic Apperception e Test. Many of you saw both plate and I said that this is टेस्ट हैं जो माहरीन नफसियात शख्सियत की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर मैंने आपको इनकम्पलीट सेंटेंस ब्लैंक की भी कुछ मिसालें दी थी और फिर मैंने आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में भी बताया था आई एस बी डेट इज इनकम्पलीट सेंटेंस ब्लैंक एंड डब्ल्यू ए टी दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट के दो तरह के टेस्ट हैं जो माहरीन नफसियात शख्सियत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं और तीसरी चीज जो हमने देखी थी वो आपको याद होगा कुछ पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज आर ए लॉन्ग सेट ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन जिसमें हमने दो अहम तरीन पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज का जिक्र किया था आपसे एम एम पी आई दैट इज मिनिशोटा मल्टी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री और दूसरी पी एफ सिक्सटीन दैट इज पर्सनैलिटी फैक्टर सिक्सटीन MMPI डेवलप्ड पी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा सेट वन और सेट टू के बारे में आपको बताया था MMPI एम पी टू और दूसरा हमने आपको पर्सनालिटी फैक्टर 16 जो कैटेल ने डेवलप किया उसके बारे में बताया था ये मेजर्स हमने डिस्कस किए थे पर्सनालिटी के और ये देखने के लिए कि इस माहरीन नफ्सियात के पास कौन कौन से जनरल टेस्ट हैं जो पर्सनैलिटी मेजर करते हैं ये तो हैं जनरल टेस्ट्स इनके ज़रिए से हम पर्सनालिटी मै करते हैं अब हम कुछ मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि क्या माहरीन नफसियात ने कुछ ऐसे टेस्ट्स या रेटिंग स्केल्स या पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज बनाई हैं जिनका हम डायरेक्टली ताल्लुक देख सकें स्पोर्ट्स परफार्मेंस के साथ और ये हमारा आज का मौजू रहेगा चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टेस्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली बनाए गए हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के और पर्सनैलिटी के ताल्लुक को मैयर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए रिलेशनशिप एस्टेब्लिशिंग एन एसोसिएशन ए को बिटवीन पर्सनैलिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर दैट परपज दे है नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ आपने एम एम पी आई के बारे में या पी एफ सिक्सटीन के बारे में या टी ए टी के बारे में या वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा शायद क्लिनिकल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी के किसी भी फील्ड में लेकिन आपने ये जो खास टेस्ट बनाए गए हैं स्पोर्ट साइकोलॉजी से मुतलिक के बारे में आपकी आगाही जो होगी वो गालिबन लिमिटेड होगी इसलिए इसको आज इन डेप्थ शुरू करते हैं वी विल टॉक अबाउट फोर ऑफ दीज टेस्ट्स। द फर्स्ट वन दैट आई वांट यू टू बी फिमिलियर विद दैट यू विल आल्सो गेट इट इन योर नोट्स इज वाइलीज़ टेस्ट विच वॉज मेड इन नाइनटीन कॉल्ड ट्रेड स्पोर्ट कॉन्फिडेंस इन्वेंट्री esci that stands for trade sport confidence inventory that measures a person's self-confidence in performance of his event in sports vokoiwi event ho chahi diving simuta leku hockey simuta leku bowling simuta leku football simuta cycling simuta it measures the confidence that a person has with his performance in sports. That's one of the tests. The other test that is designed to measure specific ability related to sports and specific ability of sports related to personality is the Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire, developed in 1989 or T E O S Q. Yeh टेस्ट बताता है या ये सवालनामा रेटिंग स्केल हमें बताता है कि एक शख्स की अट्रैक्शन या ओरिएंटेशन या उसका झुकाव स्पोर्ट्स की तरफ है और अगर है तो कितना है तीसरा टेस्ट जिसका आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगा जमिन में वो है परसेप्शंस ऑफ सक्सेस क्वेश्चन ये ऐसा टेस्ट है जो बताता है कि एक शख्स का उसकी कामयाबी खेलों में कामयाबी के साथ उसके क्या रद्द अमाल होते हैं वो क्या सोचता है कामयाबी के बारे में क्योंकि कामयाबी और उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस या फेल होने का डर और उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का आपस में माहरीन नफसियात ने देखा है कि इनका गहरा असर है इसलिए हम माहरीन नफसियात जानना चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी अपनी सक्सेस के बारे में क्या परसेप्शन हैं। चौथी इन्वेंट्री जिस रेफरेंस में बताना चाहूंगा दैट इज द टेस्ट ऑफ़ अटेंशनल एंड इंटरपर्सनल स्टाइल आपको याद है कि जब हम अटेंशन का जिक्र कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अटेंशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो अटेंशन अपनी जात पर रखते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से मुतालिक और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़ात से बाहर अटेंशन रखते हैं और हमने आपको बताया था कि इन दोनों के क्या क्या असरात हो सकते हैं हमने आपको बताया था कि वो लोग जो अटेंशन उस मिसाल के तौर पर वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स जो अपनी ज़ात पे अटेंशन रखते हैं उनको स्पोर्ट्स के दौरान इंजरीज कम होती हैं और वो लोग जो अपने इनवायरमेंट पर ज़्यादा अटेंशन रखते हैं उनको स्पोर्ट्स के दौरान इंजरीज ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि उनकी अटेंशन अपनी जात पे अपने जिस्म पे नहीं होती हमने ये भी बताया था आपको और याद होगा आपको जब हम अटेंशन का जिक्र कर रहे थे और फोकस्ड अटेंशन का जिक्र कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वो लोग जो क्राउड की तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं और वो लोग जो अपने खेल की तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं उनमें क्या फर्क है और उस फर्क का क्या असर हो सकता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर तो यही टेस्ट जो है ये मेजर करता है दी टेस्ट फॉर अटेंशनल एंड इंटरपर्सनल स्टाइल और टी ए आई एस डिवेलप्ड इन 1976 ये खास टेस्ट्स हैं जो इन्वेंट्रीज कहला सकते हैं और जो रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और शख्सियत से मुतल इसके अलावा माहरीन नफसियात जो हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी कोई ट्रेड्स ऐसे हैं जिनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से ताल्लुक हो अभी तक जो माहरीन नफसियात ने देखा है वो है कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी का जो ताल्लुक है उसका कोरिलेशन रिलेशन नहीं आ रहा यानी वी कैन नॉट से दैट इफ यू हैव मेयड ए सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट और इफ यू हैव मेयड वन ऑफ दीज थिंग्स दैट यू वी जस्ट टॉक्ट अबाउट To be high in a person, then you can predict to a higher degree of certainty that the person would perform in a certain manner. In other words, you cannot say that there is a strong relationship in the predictive value of these tests. Now, why would that be? There is a relationship between personality and sports performance. बट दैट रिलेशनशिप इज नॉट ए वेरी स्ट्रांग वन वाई वुड दैट बी आप जरा सोच के बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो कर रहा है बिटवीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं आ रही उसकी वजह यह है आपने ठीक अंदाजा लगाया कि पर्सनैलिटी में बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं और उनमें से चंद फैक्टर्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ असर है तो इसलिए वो चंद फैक्टर्स जो है दे कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लिटल इन दरऑल मेकअप ऑफ द पर्सनैलिटी दोज फ्यू फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस फॉर्म ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी देयर फॉर द ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डजेंट कम आउट टू बी दैट स्ट्रॉन्ग चलिए इससे आगे चलते हैं और कुछ और टेस्ट का जिक्र करते हैं कुछ और इन्वेंट्रीज का जिक्र करते हैं जो खास तौर पे इसलिए बनाई गई हैं कि वो देखा जाए कि उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है इस जीवन में तीन का जिक्र मैं और करना चाहूंगा और उनमें पहली है जिसका हम कहते हैं ए एम आई और एथलेटिक मोटिवेशन पर्सनैलिटी एज द नेम इम्प्लाईज द टेस्ट और द इन्वेंट्री मेजर ए परसन मोटिवेशन फॉर एथलेटिक्स और फॉर स्पोर्ट्स और ये इन्वेंट्री जो है ये ऑथर्स के मुताबिक जो कि उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ इकहत्तर के दौरान बनाई गई इन ऑथर्स के मुताबिक ये इन्वेंट्री जो है ये ग्यारह ऐसी चीजें मेजर करती है ग्यारह ऐसी चीजों की पैमाइश करती है जिनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ गहरा ताल्लुक है वो कौन कौन सी ग्यारह चीजें हैं लेटेस्ट लुक एट दैट नंबर वन ड्राइव नंबर टू अग्रेशन नंबर थ्री डिटर्मिनेशन नंबर फोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर फाइव लीडरशिप नंबर सिक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस नंबर सेवन इमोशनल कंट्रोल नंबर एट मेंटल टफनेस नंबर नाइन कोचबिलिटी नंबर टेन कॉन्शियंस डेवलपमेंट और कॉन्शियंस डेवलपमेंट के बाद नंबर ग्यारह ट्रस्ट एक एक लाइन में मैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी कर दूं आपके लिए तो मुनासिब होगा चलिए शुरू से देखते हैं ड्राइव जिस शख्स में ज्यादा पुश हो ज्यादा वो माइल हो खेलों की तरफ अग्रेशन जिसमें थोड़ा सा लिमिटेड गुस्सा भी होना चाहिए डिटर्मिनेशन जिसमें इरादा भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी का सबूत भी दे। देखिए कुछ गेम्स ऐसी हैं जो टीम गेम्स हैं कुछ गेम्स ऐसी हैं जो इंडिविजुअल गेम्स हैं। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि टीम गेम्स और इंडिविजुअल गेम्स में पर्सनैलिटी फैक्टर्स मुख्तलिफ तरह से ऑपरेट करते हैं टीम गेम्स में आपको दूसरों के साथ दूसरों की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना जो है वो जरूरी है इसलिए ये चौथा नंबर जो ट्रेट है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू टीम गेम्स लीडरशिप इसी तरह से लीडरशिप जो है वो भी टीम गेम का ही हिस्सा है सेल्फ कॉन्फिडेंस एथलीट के लिए जरूरी है कि उसमें एक कॉन्फिडेंस हो या होता है ये भी हम आगे चल के देखेंगे सातवीं चीज जो हमने देखनी है वो है इमोशनल कंट्रोल जब हमने आपसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जिक्र किया था तो जिक्र किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का कि वो लोग जो अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशन पढ़ के उनको कंट्रोल कर पाते हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस के हामिल हैं यही बात यहां भी जिक्र हो रहा है कि इमोशनल कंट्रोल का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक है आठवां है मेंटल टफनेस कि छोटी छोटी बातों पे एथलीट जो है वो क्या घबराता है या नहीं घबराता नवा है कोचिबिलिटी क्या वो कोच होने पर तैयार है या नहीं अगर वो तैयार है तो वो बेहतर एथलीट होगा और अगर वो तैयार नहीं है तो एथलीट उतना बेहतर नहीं हो सकेगा और दसवां कॉन्शंस डिवेलपमेंट के उसमें उसका जो जमीर है उसका जो सिस्टम ऑफ वैल्यूज है वो डिवेलप्ड होना चाहिए और नंबर ग्यारह ट्रस्ट वो दूसरों पे भरोसा कर सके ये खास तौर पे टीम गेम्स से मुतलक है माहरीन नफ्सियात ने देखा है कि ये इन ग्यारह चीजों का पर्सनैलिटी सिक्सटीन पर्सनैलिटी के साथ बहुत सा मिलता जुलता ताल्लुक है सिक्सटीन पी जो कैटेल की है उसमें और इसमें काफी मुशाहबत है एक बात दूसरी चीज जो हमने दूसरा टेस्ट जो हमने इसके बारे में इससे मुतल देखना है दैट इज विनिंग प्रोफाइल एथलेटिक इंस्ट्रूमेंट डब्ल्यू पी ए आई यह भी एक टेस्ट है जो मेजर करता है दो चीजों को वो क्या दो चीजें हैं नंबर वन कॉन्शियनशियसनेस एंड नंबर टू मेंटल टफनेस कॉन्शियंशियसनेस एक शख्स में जिम्मेदारी का एहसास एक टास्क को कंप्लीट करने का एहसास कितना है और मेंटल टफनेस जहनी तौर पे वो कितना मजबूत है ये दो चीजें जो हैं, ये डब्ल्यू पी ए आई विनिंग प्रोफाइल अथरेटिक इंस्ट्रूमेंट जो है ये मेज़र करता है अगर किसी शख्स में ये दो ट्रेट्स हाई हैं, तो उस शख्स में माहरीन का कहना है के जीतने की ख्वाहिश ज्यादा होगी और उसकी पर्सनल उसकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो उन लोगों से बेहतर होगी जिनमें ये दो चीजें जो इस टेस्ट में महै की जाती हैं वो कम हैं और तीसरी इन्वेंट्री जिसका इस सिलसिले में मैं जिक्र करना चाहूंगा दैट इज टी ए पी और ट्राउट वाइन अथलेटिक प्रोफाइल जो ट्राउट वाइन की बनाई हुई है एक शख्स का नाम बॉब ट्राउटवाइन है इसलिए उसने अपने नाम से ये मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाई है जो मेयर करती है कि एक शख्स में एथलेटिसिज्म मौजूद है या नहीं है और उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन में मददगार साबित हो सकती है इनके बनाने वालों का ये ख्याल है कि टी ए पी या ट्राउटवैन एथलेटिक प्रोफाइल जो है इसके जरिए से हम फुटबॉल प्लेयर्स का बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या वो टीम के लिए अच्छे साबित होंगे या नहीं ये थे जितने बहुत से टेस्ट जिनका हमने आपसे ज़िक्र करना था जो ख़ास तौर पर बनाए गए हैं ये देखने के लिए कि जो एक शख़्स की मुख्तलफ़ ट्रेड्स हैं उनका उसकी एथलेटिक परफॉर्मेंस पर या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर क्या असर है और क्या ये ताल्लुक़ है या नहीं है मैं आपसे पहले भी यह गुजारिश की थी और दोबारा इसका अदा कर दूं कि ये रिलेशनशिप तो मौजूद है साइकोलॉजिस्ट हैव सीन दैट देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बट दैट रिलेशनशिप डज नॉट अपीयर टू बी वेरी हाई विच मीन्स

और इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए एक चीज देखते हैं जिसको माहरीन नफसियात कहते हैं क्रेडुलस वर्सेस स्केप्टिकल आर्गुमेंट इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देखिए जो मैंने अभी आपसे बात कही थी वो यही थी कि कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनैलिटी फैक्टर्स कैन बी मेजर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेजरमेंट psychologists can make predictions about the sports performance of a person. those who say that this is possible would be considered the believers or the credulous people. and those who say that they are doubtful of this, they are called the skeptical. so there is a credulous versus a skeptical argument going on in sports psychology.

कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है ना यह फैसिलिटेट कर सकती है पर्सनैलिटी फैक्टर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को और ना ही ये इसको हिंडर कर सकती है आपका क्या ख्याल है क्या पर्सनैलिटी फैक्टर्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट और हिंडर करते हैं और आप क्या समझते हैं कि क्या पर्सनैलिटी फैक्टर्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ कोई भी फैसिलिटेटर का या हिंडरिंग फैक्टर का कोई भी ताल्लुक है पर्सनैलिटी का आप बताइए देखिए इस आर्ग्यूमेंट में दोनों तरफ जो है वो कुछ न कुछ सच है और हर आर्ग्यूमेंट में ऐसा ही होता है मैंने आपसे अभी गुजारिश की पर्सनैलिटी फैक्टर्स का मुख्तलिफ अंदाज में ये जो छह सात आठ हमने चार और तीन सात टेस्ट आपको गिनवाए हैं और हमने ये देखा है कि फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस ऑल दो द इंफ्लुएंस ऑफ दोज फैक्टर्स इज स्मॉल बट इट इज देयर But to reject that influence altogether is also wrong. To overemphasize the influence of personality factors on sports activity is also wrong. We should find a via media between these two extreme arguments. The truth probably lies, probably lies between these two. Yes, we have evidence in favor of. Personality factors influencing sports performance, but that evidence is not strong enough, is not overwhelmingly strong to convince us that personality factors do influence sports performance. Isli Abhi Thakjo Mavad Mawad उसके मुताबिक हम यही कहेंगे कि हमें एविडेंस तो हमारे पास है लेकिन एविडेंस ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है सो वी आर इन द मिडल ऑफ द क्रेडुलस वर्सेज द स्केप्टिकल आर्ग्यूमेंट वी हैव एन ओपन माइंड हेयर इफ द स्केप्टिकल्स शो आस दैट देर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर्स No influence at all of personality factors on sports performance. Fine, we'll follow that. On the other hand, if the credulous or the believers in this argument say that there is a strong influence of personality factors on sports performance, then they'll be. Then we'll agree with that. You <laughs> जब ये देखते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स में जो को है दैट इज ओवर पॉइंट फाइव देन दे से दैट इज एन एक्सेप्टेबल रिलेशनशिप द को फॉर इंस्टेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस अपीयर्स टू बी अबव पॉइंट सेवन सो वी बिलीव दैट दे आर रिलेटेड वी नो दैट दे आर रिलेटेड But here, the relationship between personality factors and sports performance has not been shown to touch 0.5, a level of 0.5. So, we can't say that it is a strong relationship. But neither has it been shown to be either 0 or in the negative. So, we, can, we cannot say that there is no relationship. The relationship is there, but a very small one. और एक दो आर्ग्यूमेंट्स और का जिक्र करते हैं जब हम पर्सनैलिटी की मेजरमेंट का जिक्र करते हैं और जब हम जिक्र करते हैं कि उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पर्सनैलिटी का क्या ताल्लुक है तो एक दो बातें जो हैं, वो हमें जहन में रखनी चाहिए कि जितनी भी रिसर्च हुई है रिलेटेड टू पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड स्पोर्ट परफॉर्मेंस उसका जब हम एक अनालिस करते हैं तो हमें दो बातें खास तौर पर दिखाई देती हैं दैट येस देर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनलिटी फैक्टर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बट दैट रिलेशनशिप इज स्मॉल नॉ वाई इज इट सो स्मॉल साइकोलॉजिस्ट है डेप्थ ऑफ दैट ऑल्सो एंड हैव एनालाइज एंड शोन वाई इज दैट रिलेशनशिप सो स्मॉल And there are two factors that they have identified that may be considered to be responsible for that small relationship, small but positive relationship. And what are those two factors? Factor number one response distortion. When we are measuring personality and when we notice the relationship between personality and sports performance, the fact of measurement distorts what we are measuring. And that distortion limits the relationship, negatively influences, clouds the relationship between sports performance and personality factors. Personality factors or sports performance may. Jo रिलेशनशिप में जो क्लाउडिंग हो रही है उसको अभी हम क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि मेजरमेंट इन इट इज ए प्रोसेस दैट डिस्टॉर्ट्स द रिस्पॉन्स ये बात आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी ये बात आपने टेस्टिंग में और ये बात आपने जगह जगह पढ़ी होगी जानी होगी कि द एक्ट ऑफ मेजरमेंट इट्स सेल्फ इज समथिंग दैट डिस्टॉट्स द रिस्पॉन्स अगर आपको पता चल जाए कि लोग आपकी तरफ मुतवजो हैं तो आपका बिहेवियर और तरह का होगा और अगर आपको यह ना पता चले कि लोग आपकी तरफ मुतवजो हैं तो फिर आपका बिहेवियर और तरह का होता है एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड डिस्टॉशन ऑब्जर्वेशन measurement leads to a change or distortion in the response and that is why there is small relationship between personality factors and sports performance or dusrajo hai that if a multivariate approach is employed if many factors are grouped categorized together and then those factors as a category आर सीन टू इंफ्लुएंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देन वी वुड सी ए हायर अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस क्योंकि हम बहुत मामूली और अकेले अकेले फैक्टर का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक देख रहे हैं इसलिए वो रिलेशनशिप भी हमें मिनिमल कम दिखाई दे रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है वो पर्सनालिटी के एक से ज्यादा फैक्टर्स से रिलेटेड है जब हम एक से ज्यादा फैक्टर्स को इकट्ठा करके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे देखेंगे उसका असर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो उस सूरत में व्हेन वी आर अडॉप्टिंग ए मल्टी वेरिएट अप्रोच देन द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स वुड बिकम ए हायर ए मोर विजिबल रिलेशनशिप जो अभी तक हमने देखा है उसमें से सात चीजों का आपसे जिक्र करना चाहूंगा जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स और पर्सनैलिटी से रिलेटेड रिसर्च में अगर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें रिसर्च का और देखें कि क्या असरात हैं पर्सनैलिटी के क्या वेरिएबल्स हैं पर्सनैलिटी के क्या वेरिएबल्स हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के जो आपस में रिलेटेड हैं तो हमें मैं समझता हूं सात चीजों का एक जायजा लेना होगा सात चीजें हमें दिखाई देंगी विच आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उनका भी एक बर्ड्स आई व्यू या एक एक ताराना जायजा लेते हैं पहला एथलीट्स और नॉन एथलीट्स में फर्क देर आर पीपल हुआ एंड देर आर पीपल हुआ नॉन एथलेटिक टाइप और एथलेटिक्स से मेरी मुराद सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड नहीं है बल्कि एथलेटिक्स से मेरी मुराद स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट जब मैं कहता हूं तो इससे मुराद सिर्फ मेरी मर्द या औरत नहीं है बल्कि दोनों ही है रिसर्च ने पहली चीज तो यह देखी है कि एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन और नॉन एथलीट में फर्क है क्या फर्क है Athletes are more independent. Athletes are more objective. Athletes are less anxious. In most cases, athletes are more intelligent. In most cases, athletes are more self confident. Athletes are more socially outgoing. Athletes are alert. Athletes are enthusiastic. Athletes are forthright. Athletes appear to be self sufficient. Athletes are more practical. एंड एथलीट आर रियालिटी बेस्ड रिसर्च शोट एथलीट्स है इतने सारे फैक्टर्स हैं जो एथलीट्स में मौजूद है और नॉन एथलीट्स में मौजूद नहीं है पहली बात ये देखने वाली है दूसरी बात जो देखने वाली है वो ये है कि एथलेटिक पार्टिसिपेशन का हमारी पर्सनैलिटी की डिवेलपमेंट पर बहुत गहरा असर है देर आर डिवेलपमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एथलेटिक पार्टिसिपेशन अपॉन पर्सनैलिटी इसमें एक बात जो आपको इंटरेस्टिंग दिखाई देगी दैट इज द ग्रेविटेशनल हाइपोथिसिस ग्रेविटेशनल हाइपोथिस स्टेट्स

मिसाल के तौर पर माहरीन नफ्सियात ने देखा है कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो आमतौर पे दे आर द पीपल हु आर ओवरली कंसर्न्ड विद देर बॉडी हेल्थ हर शख्स को अपनी बॉडी से या अपनी सेहत से मुतलिक एक कंसर्न होना चाहिए लेकिन ओवर कंसर्न जो है दैट शोज इन अब एवरेज और अबव नॉर्मेटिव लेवल ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू बॉडी एक्टिविटीज रिसर्च हैज शोन दैट बॉडी बिल्डर ओवर कंसर्न विदलीहुड रिसर्च है रिसर्च ने हमें ये भी दिखाया है कि जिम्नास्ट और कराटे प्लेयर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं रिसर्च ने हमें ये भी दिखाया है कि टीम स्पोर्ट्स के एथलीट्स और तरह के होते हैं और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के एथलीट्स जो हैं वो और तरह के हैं मैंने आपसे इस बात का पहले भी जिक्र किया था और ये एशले और जॉय की रिसर्च में खास तौर पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कंडक्टेड इन 1977 सेवनटी सेवन विच शोड देर आर डिफरेंसेस बिटवीन पीपल हु इंडिविजुअल स्पोर्ट्स दो स्पोर्ट्स पर्सन हु टेक पार्ट इन टीम स्पोर्ट्स आर मोर डिपेंडेंट आर मोर एंशियस आर मोर एक्सट्रोवर्टेड एंड एज कंपेयर टू पीपल हु इंडिविजुअल स्पोर्ट्स चौथी चीज जो हमने इससे मुतल देखनी है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेयर पोजिशन एंड पर्सनैलिटी प्रोफाइल ये प्लेयर पोजिशन क्या चीज है देखिए एक शख्स क्रिकेट में ज्यादा या बेहतर तरह से फील्डिंग कर सकता है स्लिप्स में एक शख्स बेहतर तरह से फील्डिंग कर सकता है थर्ड मैन पर एक शख्स बेहतर तरह से फील्डिंग कर सकता है शॉर्ट लेग पर एक शख्स बेहतर तरह से खड़ा हो सकता है विकेट कीपर की हैसियत से दिस इज व्हाट इज मेड बाय प्लेयर पोजीशन एक शख्स फुटबॉल की टीम में सेंटर फॉरवर्ड बेहतर खेल सकता है एक शख्स विंगर आप जानते हैं पाकिस्तान के मायानाज विंगर हुआ करते थे समयूला आप जानते हैं पाकिस्तान के मायानाज सेंटर फॉरवर्ड हुआ करते थे हसन सरदार ये प्लेयर पोजिशन है हॉकी में ये मायानाज इसलिए हैं कि मैं उनको मायानाज नहीं कह रहा हसन सरदार वॉज वोटेड टू बी देश सेंटर फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड बाय द स्पोर्ट्स राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड ये इतने इतना बड़ा उनको ये एजाज स्पोर्ट्स राइटर्स ने दिया हुआ तो ये एक प्लेयर पोजीशन है कि वो शख्स कहां खेलता है देखा गया है कि प्लेयर पोजीशन का उसकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है पांचवी चीज जो इससे मुझे आपने देखी है वो ये है कि पर्सनैलिटी प्रोफाइल का एथलीट्स की स्किल्स के साथ ताल्लुक है का एक खास ताल्लुक है दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल एथलीट्स एंड दोज पीपल हु आर एथलीट्स बट आर अनसक्सेसफुल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनलिटी प्रोफाइल्स छठी चीज हमारी सारी रिसर्च में जो देखी गई है जिसका हम एक जिस्ट आपको बयान कर रहे हैं कि क्या एक इलीट एथलीट और नॉन एलीट एथलीट में कोई फर्क है या नहीं है हमने आपको भी बताया कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल एथलीट में फर्क है या नहीं है इसको अगर हम और एक्सपेंड करें तो हम छठी चीज देखेंगे एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलीट एथलीट एंड द नॉन एलीट एथलीट वॉट डू आई मीन बाय एलीट एंड नॉन एलीट एथलीट रिसर्चर्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कॉल दोज पीपल हु हैव अचीव ग्रेट सक्सेस In sports performance at the world level, at the continental level, at the national level, those people are called athletes who are elite athletes. And those people who are non elite athletes are people who have achieved some success but not that high a success. Research shows that there is a difference of personality factors. Between the athletes, those who belong to a very high level of fame and high level of achievement, and the non athletes the non elites who have achieved some success who are sports persons but have not achieved that highest success in dono kiismke athletes mein, the elites and the non elites, the elite athletes and the non elite athletes in dono Ki personality personalities, माहरीन नफसियात ने फर्क पाया है और वाज फर्क पाया है और सातवीं चीज जो इस सिवन में हमने देखनी है वो ये है कि फीमेल एथलीट जो है वो क्या चीज है माहरीन नफसियात ने यह देखा कि फीमेल एथलीट और फीमेल नॉन एथलीट में फर्क है और फीमेल एथलीट जो है वो मेल एथलीट से ज्यादा मुशाहबा है यानी कि फीमेल और मेल एथलीट्स में जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो काफी हद तक मिलते जुलते हैं और फीमेल एथलीट और फीमेल नॉन एथलीट में फर्क है और क्या देखा गया है कि फीमेल एथलीट्स जो हैं उनमें अचीवमेंट ओरिएंटेशन ज्यादा है उन वो सेल्फ सफिशेंट ज्यादा हैं वो इंडिपेंडेंट ज्यादा हैं वो इंटेलिजेंट ज्यादा हैं ये हम बात मेल और जनरल एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में भी कर चुके हैं और यही बात फीमेल एथलीट्स को फीमेल नॉन एथलीट से अलहदा करती है और फीमेल एथलीट्स के पर्सनैलिटी टाइप को मेल एथलीट के पर्सनैलिटी टाइप के ज्यादा नजदीक ले आती है तो हमने इन सात बातों का जिक्र किया बिफोर वी एंड टूडेज लेक्चर लेटेस्ट रिव्यू वॉट वी हैव टॉक्ट अबाउट सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट पर्सनैलिटी एंड इट्स इंफ्लुएंस और इट्स रिलेशनशिप विद स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस माहरीन नफ्सियात की ये ख्वाहिश है कि वो देखें कि पर्सनैलिटी में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर हो सकता है और इस जिमन में हमने बहुत से टेस्ट का आपसे आज जिक्र किया है हमने आपको कुछ ऐसे पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज बताई थी जिनके जरिए से हम उस शख्स की जात के कुछ हिस्से मेजर कर लेते हैं और फिर उन हिस्सों को मेजर करने के बाद उनको एज प्रडिक्टर्स इस्तेमाल करते हैं कि क्या उनका उन शख्सियत के पहलुओं का एक शख्स की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक है या नहीं है इस जमिन में हमने चार अलहदा टेस्ट का जिक्र किया था फिर उसके बाद हमने आपसे तीन और टेस्ट का जिक्र किया था वो है ए एम आई याद आया आपको ये हमने तीन और का जिक्र किया था यानी टोटल हमने आपसे सात टेस्ट का चार अलहदा और फिर तीन उसके बाद हमने आपसे जिक्र किया था जो मेयर करते हैं मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटी फैक्टर्स को रिलेटेड पर्टिकुलरली टू स्पोर्ट्स मसलन हमने आपको ये बताया था कि एक टेस्ट ऐसा भी है जो मेजर करता है कि एक शख्स में अथलेटिक मोटिवेशन कितनी है जैसे हम मेजर करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन इसी तरह से हम मेजर करते हैं एथलेटिक मोटिवेशन और वो हमने आपको बताया था एम आई एथलेटिक मोटिवेशन इन्वेंट्री तो ये एक टेस्ट था इस तरह से हमने साठ टेस्ट का आपके साथ जिक्र किया था फिर हमने कहा था जब हम ये सारे टेस्ट्स देखते हैं सामने रखते हैं तो जो एक आर्गुमेंट उभरती है वो आर्गुमेंट का जिक्र किया था हमने क्योंकि हमने ये बताया था आपको कि जितने भी हम टेस्ट्स करते हैं पर्सनैलिटी के और जिससे जब भी हम मेजर करते हैं पर्सनैलिटी को और जब उस पर्सनैलिटी फैक्टर्स का रिलेशनशिप देखते हैं हम स्पोर्ट्स परफार्मेंस के साथ तो हमें एक रिलेशनशिप दिखाई तो देता है लेकिन दी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट वेरी हाई इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वो रिलेशनशिप ताल्लुक दिखाई तो दे रहा है लेकिन कम है ज्यादा बड़ा रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा इसके बेसिस पे कुछ माहरीन नफ्सियात ने यह समझा कि यह वो ये कहते हैं पर्सनालिटी फैक्टर्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक नहीं है नेग्लिजिबल है इसलिए नहीं है वो इट माइट बी व्हाट यू ऑब्जर्व दे से दैट माइट बी ड्यू टू चांस वेरिएशंस एंड दैट इज द स्केप्टल आर्गुमेंट और द नॉन बिलीवर्स आर्गुमेंट जो इस मामले में जो इस पर यकीन नहीं रखते कि पर्सनैलिटी का शख्सियत का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से ताल्लुक हो सकता है एंड देन देर आर दी अदर पीपल हु आर दी क्रेडुलस हु बी द बिलीवर्स इन दिस रिस्पेक्ट और वो क्या हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स का पर्सनैलिटी वेरिएबल्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर होता है चाहे वो असर थोड़ा ही है लेकिन है मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है क्या आप समझते हैं जाती तौर पे पर्सनालिटी फैक्टर्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर होता है या नहीं होता और मैंने अपना व्यू आपको बताया था कि जब तक हमें यह बात क्लियरली खुल के सामने ना आ जाए कि बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है या ये बात भी क्लियर ना हो जाए कि बहुत गहरा ताल्लुक है हमें म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए दैट वुड बी दी मोर रैशनल माकूल रास्ता वही होगा कि हम कहें कि हां रिलेशनशिप है लेकिन कम है तो दैट इज द्रेडिस वर्स वर्सेस द स्केप्टिकल आर्गुमेंट इन स्पोर्ट साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑफ इट विद पर्सनैलिटी और आखिरी बात जो हमने कही थी कि तमाम लिटरेचर का हम जब देखते हैं पर्सनैलिटी मेजरमेंट का उसका असर क्या हुआ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ तो हमारे सामने मैंने आपको गुजारिश की थी कि सात बातें हमारे सामने आती हैं और वो सात आपको याद आ रही होंगी कि एथलीट्स और नॉन एथलीट्स में फ़र्क है और आपको याद आया होगा कि पर्सनैलिटी की डिवेलपमेंट का एक शख्स की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर होता है हमने बताया था कि पर्सनैलिटी टाइप्स और स्पोर्ट्स का एक आपस में रिलेशनशिप है हमने आपको बताया था कि प्लेयर पोजीशन का फर्क हो सकता है हमने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी प्रोफाइल और एक शख्स की जो स्किल्स है उनका आपस में ताल्लुक हो सकता है और हमने आपको ये भी बताया था कि एलिट और नॉन एलीट एथलीट्स कौन होते हैं और उनकी क्या क्या प्रोफाइल्स हैं और वो कैसे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं और आखिर में हमने आपको बताया था कि फीमेल जो एथलीट है वो क्या चीज है और हमने इस जमन में हमने आपसे जिक्र किया था कि फीमेल एथलीट और फीमेल नॉन एथलीट में एक फर्क है और फीमेल एथलीट और मेल एथलीट्स में एक हमें अफिनिटी दिखाई दी है पर्सनैलिटी के लिहाज से वो तकरीबन एक तरह से हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं उनमें चीजें हैं कि वो दोनों के दोनों अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं वो दोनों के दोनों अग्रेसिव हैं वो दोनों के दोनों चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं वो न्यूरोटिक कम है उनमें जहनी बीमारियां परेशानियां कम हैं तो ये हमने आज बातें की ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पर्सनैलिटी विद स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डू लुक दीज फैक्टर्स अप अंटिल द नेक्स्ट टाइम खुदा गॉड बी विद यू